आई हैव सम इंडिया फैंस विद मी। आज का मैच देख के अच्छा लगा? बहुत बेहतरीन मैच लगा, बहुत रोमांटिक था, हर बाल बाल पे भी आदमी ऑब्जर्व करते रहे, बहुत अच्छा खेले। लेकिन हमारे को बहुत उम्मीद थी कि इंडिया जीतेगा, बोल के हम पहले से तैयारी करके गए थे, इंडिया जीता है, फाइनल इंडिया जीतेगा। हम बेंगलोर के हैं, अमानुल्लाह खान हमारा नाम है, इंडिया के पक्के फैन है, इंडिया जीता है और जीतेगा इंशाल्लाह। मेरा नाम वाजिद है, तो हम हाँ बैंगलोर से हैं, तो मैच देखने के लिए आए हम। हम तीन फ्रेंड्स हैं इंडिया से, मैच देखने के लिए तीनों इंडिया से आए हुए हैं, मैच देखने के लिए, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए आए हुए। तो फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा रहा? बहुत अच्छा था, खुशी का दिन है हमारे को, ये इंडिया जीता है और खुशी मनाएंगे अभी जाके हम। तो विराट कोहली की बैटिंग देख के कैसा लगा आज? अच्छा लगा, सही लग रहा है? अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फॉर्म में आया विराट या नहीं आया? आ गया ना, अभी जो जरूरत था वो आ गया अभी। और वैसे विराट तो विराट अच्छे नहीं खेले आज, लेकिन दूसरे बहुत अच्छा खेले हैं, उम्मीद है खेलेंगे, खेलेंगे नेक्स्ट, विराट भी खेलेंगे। लेकिन खेल तो हर बॉल पे रोमांटिक रहा, रोमांटिक रोमांटिक, हर ऑब्जर्व करते रहे हर बॉल पे, ऐसी मैच बहुत कम देखा, बहुत अच्छी लगी मैच। बहुत टफ का मैच था, मगर बहुत अच्छा खेला इंडिया। 47 रन चेस करने में बहुत मेहनत लगा, बहुत 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 मेहनत, लास्ट में बहुत प्रेशर आया, दोनों टीमों को आया प्रेशर, मतलब बहुत अच्छा खेला। चलिए बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। यहाँ पे और भी कुछ फैंस आए हैं, आप कहाँ किसके फैन हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं पाकिस्तान से हूँ। उदास होंगे आज? जी बस अल्लाह का, अल्लाह पाक हर किसी को सबर दे, बस क्या है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जीतेंगे इंशाल्लाह। ये तो कोई बात नहीं, हर जीत होती है, किसी की जीत है किसी की हार, मैच में हर जीत होती है, टेंशन नहीं है। लेकिन ये है अगली बार टफ था मैच, लेकिन अगली बार इंशाल्लाह फिर। चलिए बहुत, सो द स्पोर्टिंग स्पिरिट इज स्टिल वेरी मच इंटैक्ट, पाकिस्तानी फैंस देयर, दैट एवरीबॉडी प्लेड वेल एंड इट इज अ मैच एंड ऑफ कोर्स राइवलरीज विल गो ऑन लाइक दिस। बांग्लादेश के फैंस भी आए हुए हैं यहाँ पे, बांग्लादेश से हैं आप? हाँ। लेकिन आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, मैं देख रही हूँ बहुत सारे बांग्लादेशी फैंस इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारा फैन सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। ऑल राइट, लेट्स गो क्रॉस टू सम ऑफ माय अदर कॉलीग्स एज वेल। मिहिर, ओवर टू यू, जस्ट गेट अस अ सेंस ऑफ व्हाट द फैंस आर सेइंग फ्रॉम मुंबई। Absolutely, this is Shivaji Park, and at this point, there is absolute frenzy at Shivaji Park. They are celebrating the victory of India, a match which looked as if India could not win at some point, but India did win, and that's what people are celebrating here today. Bataiye, jai, maza aaya match dekh ke. Are bahut maza aaya, bahut. Desh ab to jaaki hai, World Cup abhi baaki hai. अच्छा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? कहीं ना कहीं लगा था कि यू नो मैच हाथ से निकल जाएगा, पर आपको नहीं 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 हम 100% कॉन्फिडेंस देते हैं, इंडिया विल विन। जब तक हार्दिक पांड्या विराट कोहली था तब तक इंडिया को हराना मुमकिन था। सो इंडिया, इंडिया। अच्छा, आपका मैन ऑफ द मैच कौन है? हार्दिक पांड्या, क्योंकि उसने लास्ट ओवर में मैच पूरा जीता, पूरा ये किया है। बैटिंग में फिनिशर भी था, वो 3 विकेट भी लिया। सो इंडिया मैन ऑफ द सीरीज रहेगा हार्दिक पांड्या। बुमराह, सॉरी, भुवनेश्वर विल बी द प्लेयर ऑफ द मैच, बिकॉज उसने जो स्पेल डाला है, जो इट वॉज अ उसकी वजह से 150 क्रॉस नहीं कर पाया पाकिस्तान। सो इट हेल्प अस टू चेज द टारगेट इन वेरी लास्ट मोमेंट। ओके, सो क्लियरली व्हाट इज द वन मैसेज फॉर टीम इंडिया टुगेदर इफ यू हैव टू से? So clearly they are celebrating and they are not going to stop here today. They will continue the celebration and they want India to perform in the same fashion in this coming Asia Cup as they move forward after beating arch rival Pakistan. Over to you. All right, let's go across to Anshul as well now. Anshul, my colleague, is also joining us. Anshul, you're joining us from Goa. It must be all party atmosphere there now. So yes, the party continues in Goa. We saw how Goa functions actually, and what a cracker of a match. The match that went right down to the wire, and the Indian players coming out finally strong, and the revenge is finally over. I am being joined by some of the few fans who have been eagerly watching this entire match. I'll just try and get in a word from them. कैसा लगा, इतनी बड़ी जीत मिली है इंडिया को, और बिल्कुल लास्ट बॉल तक मैच किया, लास्ट ओवर तक मैच किया, एक्साइटमेंट थी या डर लग रहा था कहीं? बहुत डर था, बट इन द एंड वी वॉन, दैट्स वॉट वी वॉन्टेड। अच्छा,
ये पाकिस्तान ने भी आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कैसा लगा उसकी बॉलिंग देख करके? क्या नसीम शाह के भी फैंस बन रहे हैं इंडिया में? अच्छा लगा है, लेकिन इन द एंड इंडिया वन। लाइक अच्छा लगा, इंडिया वन। डू यू थिंक द रिवेंज इज कम्प्लीट? या राइट, और इट इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू फॉर द रिवेंज फॉर द वर्ल्ड कप लॉस दैट वी फेस्ड? नो, लाइक सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मैच फ्रॉम द इंडियन टीम इन दिस एशिया कप? इन द सेंस लाइक फाइनली इंडिया वन, दैट्स इट, और कुछ नहीं। So yes, the people over here are definitely happy by the kind of performance that India has given. In fact, the entire team, the entire Indian cricket team, starting from Hardik Pandya to two players like Bhuvneshwar Kumar, who bowled an absolutely stunning spell, and Hardik Pandya coming in the end and giving that finishing touch to the Indian team, that was very, 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 very much required. Even the match going to the last over, the kind of contest that is expected between an India and Pakistan match, not a one-sided contest that we have been seeing over the past few games or past few matches that we have seen between India and Pakistan. But yes, this match going right down to the wire, and what an amazing bowling by Naseem Shah as well. Definitely, he has also made a lot of fans over here in India as well, because after a long time, we have seen someone like Naseem Shah, a very, very young bowler, on his debut coming out and bowling in the manner that he bowled. That has definitely made a lot of fans over in India as well. And yes, the party in Goa continues, and it is going to continue throughout the night today, Shivani.